अपने पति की हत्या में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जारी आमरण अनशन आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। थाना बिलारी के अंतर्गत ग्राम मरेसी भूर निवासी ऋषिपाल यादव की गत 10 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 4 सगे भाइयों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे नामजद अभियुक्त महेश चंद्र शर्मा एडवोकेट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक ऋषिपाल यादव की पत्नी ग्राम प्रधान मीना यादव ने भारतीय जन कल्याण मोर्चे के अध्यक्ष अशोक सैनी के साथ गत 23 मार्च को डीआईजी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया। 29 मार्च को डीआईजी से वार्ता के बाद आमरण अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। COLIU केहर सिंह राणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर मीना यादव और अशोक सैनी को जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया। हमारे संवाददाता से रूबरू हुए COLIU KS राणा ने बताया, भारतीय जन कल्याण मोर्चा का जो धरना था वो करता में बदल गया था और इसको 4-5 दिन हो गए। अब इनको आश्वासन दे दिया गया है कि जो मुजरिम उसमें शेष है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। 4-5 टीमें बना दी गई हैं और जितनी जल्दी होगा उसे मुजरिम को गिरफ्तार किया जाएगा। उस आश्वासन पर जूस लाया गया, डीआई साहब ने आश्वासन दिया है। पुलिस के आश्वासन के बाद मृतक के भाई ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, आज से उसकी तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई है और जो वहाँ पर देव प्रकाश शुक्ला जो SSI है शुक्रवारी है उसका तुरंत शीघ्र ही तत्काल आज ट्रांसफर होगा और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई, शीघ्र ही उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। आप आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, आश्वासन से मूर्तियाँ नहीं लेकिन कुछ संतुष्ट हैं। देखो ये प्रशासन प्रशासन ही है, उसकी भी बात माननी पड़ती है। इस धरने को मोर्चे की महिला जिला इकाई के साथ साथ अनेक संगठनों ने भी समर्थन दिया। इस मौके पर विजय लक्ष्मी पंडित, स्नेह लता चौधरी, शाहनाबी, रूपवती, रमेश सैनी, महेश यादव, मलखान, साजिद खां, पन्ने खां, परवीन चाह, अख्तरी बेगम, बीना शर्मा, संतोष देवी, प्रीति बेबी, संजय शर्मा, लेख राजपाल और कृष्ण पाल सैनी समेत भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।